हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम लेके आए हैं प्लेन मिरर की एक और वीडियो के साथ, राइट। इस वीडियो में हम करेंगे, आपने थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि जब दो प्लेन मिरर्स को हम किसी एंगल पे इंक्लाइंड करते हैं तो वो कितने इमेजेस बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास एक केस कि अपने पास दो प्लेन मिरर्स हैं, फर्स्ट मिरर, सेकंड मिरर, राइट। इनको किसी एंगल पे इंक्लाइन, तो इन्हें पहले मिरर बना देते हैं। ये दोनों किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है, राइट। थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है तो आता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को हम अगर प्लेस करते हैं यहाँ पे किसी पॉइंट पे, तो ऑब्जेक्ट अपने कितनी इमेजेस बनाएगा। तो इसके लिए बेसिकली अपने पास एक कॉन्सेप्ट होता है, एक फॉर्मूला होता है, इसका एक लॉन्ग मेथड भी होता है, लेकिन हमें लॉन्ग मेथड की तरफ नहीं जाना है, बिकॉज हमें एंट्रेंसेस में लॉन्ग मेथड से अगर करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा हमारा जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूले बेस क्वेश्चन करेंगे इस पर। इसका एक फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि एन इक्वल्स टू 360 बाय थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स, राइट। और एन क्या है यहाँ पे अपना, एन है यहाँ पे अपना कोई इंटीजर्स, राइट। तो एन है अपने पास यहाँ पे कोई इंटीजर, राइट। अब ये तो आ गया फॉर्मूला। यहाँ पे अभी तक इस फॉर्मूले से हमें ये नहीं पता चल रहा कि इमेजेस कितनी बन रही है, क्योंकि एन से तो हमें इंटीजर मिल रहा है कोई, और थीटा एंगल है इन दोनों के बीच में। तो इसके लिए हम केस लेंगे कि अगर इफ केस है एन इज इवन, एन इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी, अब देखते हैं। इसके लिए दो केसेस लेंगे, इसके भी दो सब केसेस हैं। फर्स्ट, द दो प्लेन मिरर इंक्लाइंड है, तो मान लेते हैं ये एक केस हो गया और ये दो प्लेन मिरर है सेम इसके लिए, राइट। क्या कह रहे हैं, ये दोनों इंक्लाइंड है थीटा पर, ये हो गया, दोनों थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। अब कंडीशन ये है, अगर सिमेट्रिक हुआ, ऑब्जेक्ट जो है वो सिमेट्रिक रखा हुआ है सिमेट्रिकली, और दूसरा केस है असिमेट्रिकली, दोनों ही केसेस में क्या होगा। तो सिमेट्रिकली जरा बनाते हैं, तो सिमेट्रिकली में अपने पास क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है, सपोज हमने मान लिया यहाँ रखा है, और असिमेट्रिकली के लिए ये, सिमेट्रिकली में क्या होगा ये कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। हमने मान लिया कि जो थीटा जो है वो थीटा वन और थीटा वन में डिवाइड हो जाता है, जबकि असिमेट्रिकल में क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों मिरर के साथ डिफरेंट डिफरेंट एंगल क्रिएट कर रहा है। तो जब एन इवन होता है तो इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगे, इस केस में होगा एन माइनस वन सिमेट्रिकली, और असिमेट्रिकली होगा तब भी नंबर ऑफ इमेजेस होंगे एन माइनस वन। इट मीन्स अगर एन इवन आता है अपना तो दोनों ही केसेस में नंबर ऑफ इमेजेस कैसे रहेंगे अपने, एन माइनस वन और एन माइनस वन, चाहे वो सिमेट्रिकली हो ऑब्जेक्ट या असिमेट्रिकली हो, तो दोनों ही केसेस में कैसे रहेंगे हमारे, एन माइनस वन और एन माइनस वन। तो इसका एक बेसिकली एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लेते हैं अपने पास कि एंगल जो है थीटा दे रखा है सपोज 90, और अपने को निकालना है नंबर ऑफ इमेजेस, राइट। तो हम क्या करेंगे, दोनों केसेस ले लेते हैं, दोनों केसेस के लिए सॉल्व करते हैं।
राइट। तो ये हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, अभी मिरर बनाएंगे इसको। ये सिमेट्रिकली वाला केस हो गया और एक हो गया अपने पास असिमेट्रिकली। तो इसमें हमने क्या करा, इसको पहले मिरर बना लेते हैं, सॉरी एंगल दे रखा है 90 डिग्री, हमने 60 ले लिया। चलिए इसको ठीक कर देते हैं, कुछ नहीं है, इसको 90 बना देते हैं। ये हो गया 90 डिग्री, दूसरे को भी कर देते हैं। ये भी हो गया 90 डिग्री, तो दोनों ही हो गए 90 डिग्री, राइट। ये हमने इसको भी मिरर बना दिया और इसको भी मिरर बना दिया, इधर इसको भी मिरर बना दिया और इसको भी मिरर बना दिया, राइट। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, सिमेट्रिकली है इस केस में। तो ये बना दिया हमने सिमेट्रिकली ऑलमोस्ट, तो ये रख दिया ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली, मीन्स यहाँ भी 45 और ये भी 45। इसमें है असिमेट्रिकली, तो ये हम सपोज 30 डिग्री, तो बाकी बच गया हमारा ये 60 डिग्री। इस केस में अभी हमने निकाला था कि जो हमारे पास n आता है वो आता है 360 बाय थीटा, तो 360 बाय 90 इक्वल्स टू आ गया 4। 4 क्या है, इवन। अगर 4 अगर n इवन आता है तो सिमेट्रिकली हो या असिमेट्रिकली, तो दोनों ही केसेस में क्या होगा, सिमेट्रिकली में नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे, n माइनस वन, और यहाँ भी n माइनस वन, इट मीन्स 4 माइनस 1 इसमें बनेंगी 3 इमेजेस और इसमें बनेगी 4 माइनस 1, इसमें भी बनेंगी 3 इमेजेस। तो सिमेट्रिकली केस हो या असिमेट्रिकली केस हो, दोनों ही केसेस में क्या होता है, अपना आंसर आता है n माइनस वन, राइट। तो चलिए अब दूसरा केस हम करते हैं। दूसरा है जब n क्या हो, ओड आएगा, n अगर ओड आ जाए तो इस केस में क्या होगा, केस क्या है, इफ n इज ओड, तो इसके लिए हमने थीटा ले लिया, सपोज ले लिया 72, तो n इक्वल्स टू होता 360 बाय थीटा, 360 बाय 72 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 5, जो कि एक ओड नंबर है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस चेंज हो जाएंगी, अगर सिमेट्रिकली है, सिमेट्रिकल रखा ऑब्जेक्ट, और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं असिमेट्रिकल, तो इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस इस केस में तो हो जाएगा n माइनस वन और इस केस में रहेगा n, इस केस में चेंज नहीं होगा और इसमें वही 1 माइनस कर देंगे, राइट। तो अगेन अगर इसको हम बना के देखें तो ये हो गया एक केस 72 एंगल का, ये हो गया एक केस, राइट। तो सिमेट्रिकली केस ले लेंगे एक और एक ले लेंगे असिमेट्रिकल। तो पहला केस लेते हैं हम सिमेट्रिकल, ये रहा, राइट, और दूसरा ले लेते हैं असिमेट्रिकल। इसमें ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है और इसमें ऑब्जेक्ट यहाँ, सिमेट्रिकल में हो गए दोनों 36 36, इसके अंदर हमने ले लिया एक एंगल 30 का और दूसरा ले लिया 42, एंगल 72 दे रखा है, राइट। इसके पास इमेजेस कितनी बनेंगी, इसके पास बनेंगी 3 n-1 है तो इसके पास कितना 5 आया था, 5 minus 1, इसके पास बनेंगी 4 इमेजेस और इसके पास n के बराबर आएंगे, इसके पास आएंगे 5 इमेजेस, राइट। तो दोनों ही केसेस में इमेजेस कैसे बनेंगी, डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट कैसे रखा है, n की वैल्यू क्या ही है, इवन है या ओड है। तो इस पर हम एक और क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं तो उससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा।
राइट। तो क्वेश्चन अपने पास ये है कि अगर अपने पास दो मिरर है, प्लेन मिरर, वो 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी। राइट, तो अगेन अपने पास फॉर्मूला होता है एन इक्वल्स टू 360 बाय थीटा। तो 360 बाय 60 इक्वल्स टू आ गया ये 6, जो कि है इवन। अब ऑब्जेक्ट हमें क्या बोला हुआ है, यहाँ पे बता नहीं रखा। इस केस में हमें ये नहीं बताया हुआ कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है मिरर के या असिमेट्रिकल। तो हम क्या करेंगे, जब नहीं दे रखा होगा तो हम अपनी तरफ से असिमेट्रिकल वाला केस नहीं लेंगे, हम हमेशा सिमेट्रिकल लेके चलेंगे। राइट, तो हमने मान लिया कि सिमेट्रिकल है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने आ गए, नंबर ऑफ इमेजेस इवन के केस में होता है एन माइनस वन, इट मीन 6 माइनस 1 5। राइट, अगर जैसे अपने पीछे केस लिया था, इस केस को रिवर्स कर दें। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है अपने पास कि अपने को दे रखा है नंबर ऑफ इमेजेस अगर 3 है, तो दो मिरर कितने एंगल पर एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड होंगे। राइट, तो इस केस में हमें ये नहीं बता रखा ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है या असिमेट्रिकल है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे केसेस में अभी बताया था सिमेट्रिकल लेके चलेंगे। तब सिमेट्रिकल होता है तो हमने पढ़ा है कि जो एन होता है वो होता है 360 बाय थीटा। राइट, यहाँ से आएगा 360 बाय थीटा। और सिमेट्रिकल है तो ये आ जाता है माइनस वन। हमेशा सिमेट्रिकल का फॉर्मूला ये हो जाता है कि जो भी एन की वैल्यू होती है उसमें माइनस वन कर देते हैं, तो माइनस वन। राइट, तो यहाँ से माइनस वन को इधर लेके आओ, एन प्लस वन इक्वल्स टू 360 बाय थीटा। क्लियर, एन प्लस वन हमें, यानी एन कितना दे रखा अपने को, दे रखा 3। राइट, ये दे रखा 3, ये हो गया प्लस वन 360 बाय थीटा। तो थीटा कितना हो गया 360 बाय 4, तो ये कितने पे आ गया, जैसा कि हमने पहले इस क्वेश्चन को किया था। अगर थीटा, अगर मेचिस 3 बन रही है, तो इसके लिए हमने ऑलरेडी पीछे किया था कि एंगल कितने पे होते हैं दोनों मिरर, कितने एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं, तो ये होते हैं 90 पे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपका रह गया था प्लेन मिरर का। इसके बाद प्लेन मिरर आपका ख़त्म। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, स्फेरिकल मिरर करना स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।